दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज किया ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने स्लोगन दिया था खेला होबे, और खेला हुआ भी काफी दम खम के साथ। पुरजोर आलोचना के लड़ी को लगाते हुए भाजपा ने बंगाल में ममता की विदाई की बिगुल फूकी थी, लेकिन ममता ने स्वयं को बचा लिया, 200 से ऊपर सीट ले आई और भाजपा को बैकफुट पर भेज दिया। एक बात तो तय हो गई है कि आलोचना की राजनीति और अति उत्साह और ताम झाम से अब जनता उब चुकी है। जनता अब आलोचना से खुश नहीं होने वाली, जनता को चाहिए विकास और काम। काम के नाम को गौण करके आलोचना करना महंगा पड़ा इस बार ममता के खिलाफ खड़ा होने पर भाजपा को। दूसरी बात यह भी हुई कि बागी उम्मीदवार ममता के यहाँ से भागे हुए या टूटे हुए उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाया गया भाजपा की ओर से। आम लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। आम लोगों के बीच में यह मैसेज गया कि भाजपा के पास अपना स्थानीय कोई नेता नहीं है, ना ही कोई चेहरा है। ये लोग बाहरी हैं, चुनाव जीतेंगे फिर ढाक के तीन पात। लंबे लंबे वादे किए जाते हैं, लेकिन बंगाल के विकास की बात नहीं करते। बंगाल की विकास अगर किसी ने किया 10 साल में तो ममता बनर्जी ने किया। ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा दिया और वह नारा हकीकत में बदला आज कि खेला हुआ, जनता ने खेला किया। मोदी जी के सैकड़ों जनसभा हुए, जेपी नड्डा, अमित शाह, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जितने भी भाजपा के नेता थे सब ने कैंप किया बंगाल में। फिर भी बंगाल के रण क्षेत्र को नहीं जीत पाया। यह बड़ी हार है भारतीय जनता पार्टी की। यह बड़ी हार है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जी की हार है। अब पूरे भारत में मोदी जी का स्टार गिरेगा। हार 24 में तय है। अब सबका नेतृत्व करेगी ममता बनर्जी स्वयं। ममता बनर्जी के साथ तेजस्वी यादव थे, अखिलेश यादव थे, शरद पवार थे, सारे लोगों ने ममता बनर्जी को सहयोग किया। और यह स्पष्ट हो गया कि ममता बनर्जी ने अपने योजना के मुताबिक, ममता बनर्जी ने अपने काम के मुताबिक जीत दर्ज किया, ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरे तरफ भारत सरकार, बराबरी का टक्कर में ममता बनर्जी ने जीत हासिल किया। कह सकते हैं आप कि ममता बनर्जी ने नाको चना चब्बा दिया भाजपा सरकार को, और यह हार भाजपा के ग्राफ को गिराबेगा। आने वाला 24 लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए कठिन होगी। आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव भी कठिन होगा। आने वाले अन्य विधानसभा के चुनाव में भी अब कठिनाइयों का सामना भाजपा को करना होगा। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि विपक्ष मजबूत होती जा रही है। चाहे बिहार की बात आप कर लें या कहीं भी बात कर लें, सरकार भले भाजपा की बन जाए लेकिन विपक्ष मजबूत होकर उभरी है। अब संकेत आने लगा कि मोदी जी का जादू अब नहीं चलेगा। कोरोना काल में चुनाव कराना, कोरोना काल में आलोचना की राजनीति करना, कोरोना काल में हिंसा, द्वेष, कलेश, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, तरह तरह के प्रोपगंडा को लोगों ने खारिज कर दिया। बंगाल की जनता ने
मोदी के हर जुमले को झूठा साबित कर दिया और ममता बनर्जी के समर्थन में ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करके 200 से ऊपर सीट दिलाकर ऐतिहासिक जीत ममता बनर्जी को दिलाया जनता ने। जनता में काफी खुशी है, वहीं भाजपा में काफी मातम छाया हुआ है कि ताम झाम खर्चा करने के बाद भी जनता ने इस बार नकार दिया। बंगाल में वर्षों से बंगाल का सपना को पूरा करने के लिए व्यग्र थे भाजपा के नेतागण, लेकिन अधूरा सपना रह गया। अब भाजपा की मनोबल गिर गई, टूट गई, बिखर गई सारे सपने भाजपा के। अब भाजपा का गिरावट तय है और यह आप समझ लें कि अब आलोचना की राजनीति और ताम झाम पैसे से भीड़ जुटाना अब नहीं चलेगा। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर दौड़ाने से अब नहीं चलेगा, बड़े बड़े सभा करने से अब नहीं चलेंगे, बड़े बड़े कार्यालय ऑफिस खोलने से अब नहीं कुछ होगा। अब ताम झाम खत्म, अब जो भी है जनता स्वयं फैसला करती है, जैसे बंगाल में जनता ने किया और बिहार में भी जनता ने बराबरी का टक्कर देकर तेजस्वी को मुख्य पार्टी बनाकर सामने लाया, बड़ी पार्टी बनाकर। तेजस्वी ने भी बंगाल में जाकर भाषण देकर लोगों से कहा था कि मोदी के छलावे में न आए, अगर आएंगे तो देश बिक जाएगा, झूठे प्रोपगंडा करते हैं मोदी जी, उसे जीतने नहीं देना है। और आज साबित किया ममता बनर्जी ने अपने रणनीति से, भाजपा को शिकस्त देकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करके भाजपा के मनोबल को तोड़ा, यह बड़ी बात सामने निकल कर आई। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।